कैरल यहाँ है। तैयार हो जाओ शोबीस, हम तुम्हारे होश उड़ा देंगे हमारे मास्टरपीस से। हाँ, मैं सही वक्त पर पहुँच गई। बिल, कैरल स्मिथ, मुझे एक ऑटोग्राफ मिलेगा? मैं और पास नहीं आ सकता, ये लड़की बहुत अच्छी है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? वाह, बढ़िया पूछ है। फिर मिलते हैं दोस्तों। ओ नहीं, मैंने पूरा गाना मिस कर दिया। तुम सबसे अच्छे हो, हम तुम्हें प्यार करते हैं। थोड़ा और गाओ, यही मेरा चांस है। ये तुम्हारे लिए। ओ फ्लावर्स, ये स्मेल। शुक्रिया, बाय। हे, चलो चले हनी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कैरल, जब कैरल बच्ची थी, उसकी मॉम उसके पसंदीदा फ्लावर्स घर पर लाती थी। येलो मम्स, मेरी प्यारी बेटी के लिए सुंदर बुके। चलो इसे तुम्हारे बालों पर लगाते हैं। तुम मेरी पसंदीदा फ्लावर हो। कैरल, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ मॉमी। कितना प्यारा है, मॉम की पसंदीदा। ओह, अमीर भी रोते हैं, लेकिन वो जानते हैं इसका फायदा कैसे उठाना है। मेरी जान, क्या हुआ? मुझे बस ये बुके देखकर अपनी मॉम की याद आ गई। ये फ्लावर्स किसने फेंके हैं? हाय, मैं तुम्हारी फैन हूँ। बुके के लिए शुक्रिया, मुझे पोस्टर पर साइन करने दो। ये लो डियर। वाह बढ़िया, उसे एक फैमिली चाहिए। शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। हे, मैं भूल ही गई थी, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। पिकाचू, बिल्कुल मेरे बचपन के पसंदीदा टॉय की तरह लगता है। शुक्रिया। क्या तुम्हें फैमिली की तलाश है? मेरा कोई अपना नहीं है। शायद हम इस प्यारी लड़की को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं नहीं जानता, ये एक बड़ा फैसला है। ठीक है, हमारी फेमस फैमिली में स्वागत है। मुझे पिंच करो, ये जरूर सपना होगा, ये सच है। चलो घर चले, ये रहा तुम्हारा नया घर। देखो तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मैंने इतनी ऐश आराम का कभी सोचा भी नहीं था। वाह, ये साफ है। क्या ये आपका गिटार है? वो वाला, ये बिली आइलिश की तरफ से गिफ्ट है। सच में? हाँ, क्या मैं बजा कर देखूं? जरूर बेटी, बढ़िया। मैं हमेशा से गिटार चाहती थी। वाह, क्या आप मेरी मेलोडी सुनना चाहोगे? खुशी से, हमारे बीच फ्यूचर स्टार है। ऐसा लगता है मिस्टर बेल और मिसेस स्मिथ ने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही काबिल समझ लिया। पता है क्या, मुझे लगता है ये गिटार सही नहीं है। चलो इसे अभी कहीं और रख देते हैं। ये लो स्वीट हार्ट, इसे बजा कर देखो। पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। अच्छा या बुरा, ये इंस्ट्रूमेंट पक्का उसके लिए नहीं है। स्वीटी, हवा में आवाज बनाते हुए, मुझे माफ करना, लेकिन अच्छा होगा मैं इसे छुपा दूं। देखो कितना मजेदार इंस्ट्रूमेंट है। मोजार्ट ने भी ट्रायंगल से शुरू किया था। बढ़िया आइडिया है, मैं भी इसे बजाना चाहता था। ऐसे? हाँ, बढ़िया। हाँ, मैं इसमें अच्छी हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, शायद आज रात के लिए काफी रिहर्सल हो गई है। शुक्रिया विकी, ये हमें हमेशा याद रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। हाँ बढ़िया है, मैं अपनी चीजें वहाँ रखूंगी। चलो फिर से, ये लड़की भी ना। चलो चलो, हम पहुँच ही गए, बस कुछ कदम और। बढ़िया, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। तड़ाम, सरप्राइज। हमने डिजाइनर से बच्चों का बढ़िया कमरा बनाने को कहा था। क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये कमरा बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है। तुमने सही कहा, मुझे माफ करना। बेबी चिंता मत करो, डैड कुछ सोच लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, हम बहुत अमीर हैं, पैसों का जादू हमारी मदद करेगा। बस अपने हाथों से ताली बजाओ और ये लो, कूल टीनेजर्स के लिए स्टाइलिश बेडरूम। वाह बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन खराब भी है। नहीं चलो कुछ बदलते हैं, ये कमरा मुझे डरा रहा है। खैर हाँ, यहाँ बहुत अंधेरा है। ये क्या है, एक नाइट क्लब? हमारी लड़की को एक अच्छा बेडरूम चाहिए। ठीक है मैं समझ गया। वोला, अब तुम्हें कैसा लगा डियर? प्यारा और कलर अच्छा है। हाँ ये मुझे पसंद आया सचमुच। हाँ हो, पोस्टर्स बढ़िया। ये ब्लैक पिंक है, मैं इन्हें पसंद करती हूँ। और BTS, मेरे पसंदीदा ग्रुप। ये कमरा बढ़िया है, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शुक्रिया डैड, शुक्रिया मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। आराम करो और अमीरों की जिंदगी की आदत डाल लो। सही कहा, बाय बाय।
बहुत बढ़िया। मेरी प्यारी डॉटर कैसी है? सब कुछ पहले से बढ़िया है। क्या तुम ब्लैक पिंक कॉन्सर्ट में चलना चाहोगी? हाँ, खैर हाँ, मैं कब से इसका सपना देख रही थी। वैसे मेरे पास सरप्राइज है, ब्लैक पिंक की 2 टिकट्स। सच में? वाह, शुक्रिया मॉमी। तैयार हो जाओ, ये 2 घंटे में शुरू होने वाला है। ठीक है, कॉन्सर्ट में मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। बेटी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुम्हें BTS को सुनना पसंद है ना? और तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे साथ कॉन्सर्ट चलोगी? बहुत मजा आएगा पक्का। ओह शुक्रिया डैड। कॉन्सर्ट आज है 2 घंटों में। आज? क्या कुछ गलत है? नहीं नहीं, सब बढ़िया है। तुमसे स्टेडियम में मिलते हैं। बाय बाय। मैं क्या करूं? मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन एक ही वक्त पर मैं 2 कॉन्सर्ट में कैसे जा सकती हूं? शायद मेरे पास एक आइडिया है। देखो, वो स्टेज पर आ भी गई। वाह, वो बहुत गरीब है, विश्वास नहीं होता। मैं सुबह तक डांस करना चाहती हूं। ओह, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, जल्दी वापस आना। वुहू, जल्दी करो विकी, जल्दी करो। ओह, वक्त खत्म हो रहा है, अब मैं खो गई हूँ। हाँ, यही रास्ता है। शायद मेरा प्लान इतना बढ़िया नहीं है। एक सेकंड रुको, स्कूटर, यही मेरा मौका है। BTS के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी। हे, ये मेरे काम का पहला दिन है। हे, अब मिल गए। कॉन्सर्ट शुरू भी हो गया है, तुम ठीक हो? हाँ, मैंने बस डांस किया, मैं अभी सांस ले लूं। BTS, तुम मेरे दिल में हो। मैं थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। यहाँ कुछ गलत है, मुझे देखना होगा वो कहाँ गई है। लड़की ने उसे चुरा लिया, वो किसी BTS से है, शायद वो किसी गली का गैंग है। ये लो, परेशान करने के लिए माफ करना, थोड़े पैसे रख लो। वाह, क्या किस्मत है, मैं ऐसे ही दुखी हो रहा था। वो कहाँ भाग रही है? मैं पहुँच ही गई। मैं कर सकती हूँ, मेरा ड्रीम कॉन्सर्ट ऐसा होगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हे, मैं आ गई, मुझे लगा तुम खो गई हो, टॉयलेट में लंबी लाइन थी। हे विकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हो रहा है? माफ करना, मैं बस दोनों कॉन्सर्ट्स में जाना चाहती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे बढ़िया गाना है। हाँ, और चलो अब मेरे कॉन्सर्ट को देखने चले हम तीनों। अच्छा आइडिया है, चलो चले। गुड मॉर्निंग, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? तुम बढ़िया हो। गुड मॉर्निंग स्वीटी, हमारे साथ बैठो। ये गिफ्ट कहाँ से आई? क्या आज किसी तरह की छुट्टी है? आज हमारी शादी की सालगिरह है। पकड़ लिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ डार्लिंग। ये बहुत प्यारी बात है, लेकिन मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। चिंता मत करो, यहाँ सबके लिए बहुत है, जो पसंद आए वो ले लो बेटी। नहीं, मेरे पास आपके लिए तोहफे नहीं है। ओह, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम हमारी सबसे अच्छी गिफ्ट हो। कपड़े पहन लो और हमारे साथ जाओ, मैं अभी आती हूँ। ही, उठो। हेलो। ओह, मेरे कान, कौन है? गुड मॉर्निंग, प्लीज मेरे पेरेंट्स के लिए गाना रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है, चलो शुरू करें। बढ़िया। मॉमी, डैडी, आप सबसे अच्छे हो, आप मेरी जिंदगी को फेस्ट में बदल देते हो। मैं आपको पाकर बहुत किस्मत वाली हूँ, मैं बस कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। ये अजीब है, गाती रहो, नहीं तुम कमाल कर रही हो। डैडी आप, हे भगवान। मॉमी, हे भगवान, क्या हुआ? विकी बेटा, क्या तुम ठीक हो? हमारे मेंशन का फ्लोर ज्यादा अच्छा नहीं है, नया खरीदने का वक्त हो गया है। चोट तो नहीं लगी? फिर तुमने हमें डरा ही दिया था। क्या हुआ स्वीट हार्ट? खैर, मैंने आपके लिए एक गाना रिकॉर्ड किया है, लेकिन कुछ और ही हो गया। एक गाना? हनी, क्या तुम इसे हमारे लिए गाओगी? हाँ, थोड़ी देर रुको, गाना चलाते हैं। मम्मी डैडी आप अच्छे हो, आप मेरी जिंदगी को खुशनुमा बना देते हो। शुक्रिया फ्लावर, ये हमारे लिए अभी तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है, और आप सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। मुझे ट्रूमानी हील्स की आवाज़ आ रही है, वो करीब है, मुझे थोड़ा देखने दो। वाओ, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा।
कुछ दिख नहीं रहा। हे, मुझे ऑटोग्राफ दे जाओ। कुछ नहीं दिख रहा, मुझे स्टार्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा। बस थोड़ा आर्ट। अरे नहीं, बेकरार फैंस। चलो मैं जल्दी से जाकर करता हूँ, कोई नहीं देखेगा। मास्टरपीस पूरा करते हैं। तैयार है? तरस खाओ, मेरी पसंद अच्छी नहीं है। एक प्यारा फैन, शांत हो जाओ बेटा, किसी कॉलिंस तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मेरी लुक देखो लोगों, ये कैसा ट्विस्ट है, कितना अच्छा लड़का है। साइन करो। ओह, तुम इस जालिम दुनिया में अकेले हो। डियर, अगले इवेंट का वक्त हो गया है, पर हनी हम उसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। सही कहा ना? मिस्टर स्लम बॉस ट्रैश हंट पर निकला है, चलो देखें। वो क्या चीज मिली है, कामयाब जिंदगी की टिकट। ना जाने ट्रूमैन मैम ने तुम्हें बाहर क्यों फेंका, पर मैं तुम्हारा इस्तेमाल जरूर करूंगा। अभी देर नहीं हुई, अपने दोस्त के लिए पैसे दो। लिटिल डैन डांस फ्लोर पर आग लगा देगा। पैसों के लिए शुक्रिया ब्रो, ये गाना $10 के लायक है। डैन अपने लिए बड़ा सा स्वादिष्ट डोनट लेगा। यो ब्यूटी, मैं मदद करता हूँ। मैं खो गया। ओह, मुझे निहारना बंद करो। कैसी हो तुम, मुझे डैनी कह सकती हो। तुम इतने उदास क्यों हो, ये तो मेरी जवानी की कॉपी है। हाँ, हम इस लड़के को गोद लेंगे। तैयार हो जाओ, तुम हमारे साथ रहोगे। मैं नहीं जाऊंगा। ओह, मुझसे कितना मिलता है, अजीब परिवार है। हम तुम्हें एक प्यारा सा कमरा देंगे। ब्र, आज नहीं, चलो चलें। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। क्या तुमने अपना मन बदल लिया, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उसे मनाना होगा। समझ गई, इन ग्रीन फ्यूचर मैग्नेट के बारे में क्या ख्याल है। आसान चॉइस नहीं है। मैं कार्डबोर्ड से झोपड़ी बनाऊंगा, शायद इससे खिड़की बन जाए, और ऐसी चीजों से एयर कंडीशनर के पैसे बच जाएंगे। नहीं, दूसरा ऑप्शन, आइलैंड खरीदने के लिए बस 1 मिलियन रहते हैं। बहुत खूब, डैडी के पास आओ मेरे प्यारे पैसों और थोड़े यॉट के लिए। सोच लिया, तुम मान गए? Yeah. तो पैसे ले लो और आ जाओ। उदास नहीं हो डियर, वो डॉलर से मान गया। गहरी सांस लो मिस्टर वॉलेस, क्या हुआ, आज मैं दुनिया का सबसे खुशहाल फादर बन गया। हम फिशिंग करने जाएंगे, सेल्फी ले। क्या बात है, कितना बड़ा घर है, अच्छे से देखता हूँ। हेलो टेलर, मुझे खुशी हुई, आप वापस आ गए मास्टर्स। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं यहाँ रहने वाला हूँ। क्या पता चल गया, तुम जोकर जैसे हो। बहुत सुंदर है, कितना भोला बच्चा है। हे बेटा, ये घर सिर्फ नौकरों के लिए है, हमारा मैंशन वहाँ है। हुँ? बिल्कुल असली महल। मैं पकड़ता हूँ, इसे आदत हो जाएगी। उसके लिए काफी चीजें नहीं है, माइक संभाल लेगा। रेस्ट कर लो टेलर, जागो और देखो दोस्त, चलो अपने बेटे का पहला दिन यादगार बना दे। प्लैटिनम के फोक्स बाहर निकाल लिए थे और बाकी सामान भी। आपका कीमती कार्गो। अभी भी होश है, मेरा सबसे कामयाब तरीका। हकीकत में स्वागत है टेलर, अमीरी पुकार रही है। शुक्र है भगवान का। तैयार हो जाओ, ढेर सारी दिलचस्प चीजें होने वाली हैं। गोल्ड लिफ्ट आ गई, अपने पेरेंट्स के साथ जाओ मेरे छोटे मालिक। हाँ, उसके लिए फर कोट लेकर आओ जो इससे भी ज्यादा महंगा हो। इंतजार कर रहे हो, हम एक मजेदार सैर पर जा रहे हैं। साइंस की मंजिल, ये रहा हमारा मिनी कॉलेज, सबसे शानदार पढ़ाई। गुड लक। हाय, चलो तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करें। बेटा, ज्योग्राफी में होशियार हो या केमिस्ट्री में? बोरिंग माहौल है डैड, पसंद नहीं आया, मुझ पर छोड़ दो। अब ठीक है, सबके सामने जादू, पैसे का जादू। यो, अल्फा कोसाइन क्वेयर प्लस, हमारी पार्टी धमाकेदार है। ओह हाँ, बैकपैक वोकलिस्ट, कमाल का लेसन है। 1 2 लोगोरिदम, मैं आराम से फिर कभी आऊंगा दोस्त, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे प्रोफेसर। चलो आगे देखें, हमेशा ऐसा ही रहना। बाय। बेफिक्री का किंगडम, मजे करो। वाओ, और क्या चाहिए था, मैं जाकर खेलने का एरिया देखता हूँ। कैसा लगा बेटा, सच कहूँ तो मैंने कभी ऐसी चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था। सरप्राइज, अजूबा देखो, उदासी दूर। ट्राई करोगे, ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ ट्यूम क्यूज कौन है।
ओह, मुझे अजीब लग रहा है। तुम ठीक हो टेलर? खैर, हेलो, एक मिनट रुको। आजकल बहुत अजीब गोल्ड होते हैं, दूर हो जाओ। मेरे पास लेपर्ड प्रिंट कराटे बेल्ट है, डरो मत हनी। मुझे भी कुछ मूव्स आती है। आउच, गड़बड़ हो गई। मजाक मस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। माफ करना, आज के बाद ऐसा कभी मत करना। चलो गुड बाय। पर जानबूझकर नहीं किया। हाँ, लगता है मुझे अपना काम बदलना होगा। मुझे तुम्हारी परवरिश का ख्याल रखना होगा। शांत हो जाओ, चलो टूर को आगे बढ़ाएं। इतनी गड़बड़ हो गई। एंटरटेनमेंट का समुंदर, इससे वो खुश हो जाएगा। फिर से कोई सपना देख रहा हूँ क्या? घर पर हमारा अपना वाटर पार्क। विश्वास नहीं होता। अरे मुझे पिंच करो। ओह, तो ये सब सच है? ओह क्या बात है, हम यहाँ बाद में आएंगे, कपड़े बदलने होंगे। फैशन कॉर्नर, इंटीरियर अच्छा है, जाकर देखते हैं। स्वागत है, बैठिए और हमारी चीजें देखिए। मिस्टर वॉलेस, मुलायम कुर्सियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। उम्मीद है आज तुम हमें हैरान करोगी। आपके बेटे के लिए ढेर सारी लुक्स। बुटीक में मेरा स्टाइल बदल जाएगा। हे, हम उसके बेकार कपड़ों से छुटकारा पाकर उसे बिल्कुल एक मिलेनियर लुक देंगे। अच्छी बात है, हम यहाँ आ गए। लीजिए हमारे लिए। चीयर्स। और हाँ, टेलर के लिए भी। ध्यान दीजिए, पहली लुक दिखाते हैं। नॉकआउट लवर, जोशीला लग रहा है। मुझे सच में पसंद आया। रुको, एक आइडिया आया। यहाँ आओ, चलो प्रैक्टिस करें। ओह हाँ, तुम्हारी लेफ्ट हुक बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारी इस मिनी बैग से प्रैक्टिस करने में मदद करता हूँ। चलो मारो लोहे जैसे हाथों का मुक्का। मैं चैंपियन हूँ। ये अच्छा, तुम दोनों बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। चलो कपड़े बदलो। मजा खत्म। मॉम की बात तो माननी ही पड़ती है, उसे मर्दों वाली चीजों के बारे में क्या पता। अपनी इमेजिनरी सीट बेल्ट बांध लो, दूसरी आउटफिट आ रही है। बेहतरीन है। अरे वाह, कितना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आपके परिवार के लिए काम करके हमेशा खुशी मिलती है मिसेस कॉलिंस। अपनी इन्वेस्टमेंट से ब्रेक लो। अपने नन्हे फैशनिस्टा को देखो। तुम कहती हो तो, वैसे कुछ खास नहीं है, जल्दी से बदल लो। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? तो रहने दो, कुछ और देखते हैं। शायद मेरा चेहरा जैकेट के साथ बोरिंग लग रहा है। अभी टेलर बहुत छोटा है मेरे जैसे सूट पहनने के लिए। सिंपल आउटफिट चुनो। कोई बात नहीं, हमारे स्टोर में कुछ नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ आओ मॉडल। तीसरी लुक देखिए, मॉडर्निटी की पीक। मुझे बहुत पसंद आया। और आपको मेरी स्टार फिश। ओह, ऐसी उम्मीद नहीं थी। सही है, अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। कूल गेमर्स में यही छाया हुआ है। मैं उससे ज्यादा मशहूर हो जाऊंगा। देखो हम एक जैसे लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता। हाँ बहुत ज्यादा हो गया, मैं कितने समय से ऐसा चाहता था। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये चीजें रखने दो। बच्चे को इतना मजा तो मिलना ही चाहिए। चलो हम चलते हैं। हाँ हाई फाइव। लगभग मना कर चुके थे, जवान बच्चे आजकल बहुत अजीब हो गए हैं। आपकी शाम अच्छी हो, बाय। आंखों पर पट्टी बांधकर चलना मेरी सुपर पावर होगी। एक सेकंड के लिए अपने गैजेट हटाओ और अपना गेमिंग रूम देखो। मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत खूब, आसपास सारी दिलचस्प चीजें हैं। बैठो बेटा, जिस भी चीज की तुम्हें जरूरत होगी वो सब है। क्या ये फिगरीन अब मेरी है? और छोटा सा फ्लैश बॉय भी। हाँ बिल्कुल टेलर, हमारा बच्चा कितना प्यारा है। एनुअल ट्रूम ट्रूम फिल्म फेस्टिवल के लिए सबसे मशहूर स्टार्स आ गए हैं। विकी, जेसन, यहाँ देखो, वो दोनों लेजेंड्स ऑफ द गैलेक्सी में थे। कुछ और शॉट्स लेता हूँ। अमीर स्टार्स को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, सब पहले से उन्हें जानते हैं। हे, मैंने आपकी सारी मूवीज देखी हैं। आप मुझे गोद लेना चाहोगे? क्या इस एंगल से मेरी लुक अच्छी आती है? कितना प्यारा लड़का है, क्यों ना हम उसे अपने परिवार का हिस्सा बना ले, क्यों नहीं? ये तुम हमारे प्यारे 27वें या 28वें बच्चे होगे। तुम्हें हमारे विला में अलग कमरा भी मिलेगा। लो इसे पकड़ो और हमारे साथ चलो। लगता है मैं इतने बड़े परिवार में खो जाऊंगा, किसी को मेरे बारे में याद ही नहीं रहेगा।
जाएगा। ये लड़की परिवार ढूंढ रही है, मैं नहीं। हमारे पास पहले से बहुत बेटियां हैं, हमें बेटा चाहिए, हमें चलना चाहिए। और अब आ रहे हैं मिस्टर और मिसेस ब्रोक। दोस्तों अपने लेंस तैयार कर लो, सबको हाय। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमें इनवाइट किया गया। ये कौन है? बिन बुलाए लोग, क्या तुम साइन लाए हो? हमारी हर फोटो $1 की है। वहीं गरीब सेलिब्रिटीज में किसी को दिलचस्पी नहीं है। ये लोग है कौन? ये तो मेरे ऑप्शन में भी नहीं है। और अब उप्स, उनसे मिलिए जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था, इस शाम के सबसे अमीर मेहमान। क्या ये सच में कैरल और एंड्रयू पॉवेल है? पिछले साल से अब तक कुछ नहीं बदला है। मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ, मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। हे, वो मुझे देख नहीं पा रहे, मैं ये मौका खो नहीं सकता। याच क्लब भी जाना है, याद रखना स्माइल। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ओह, बहुत जोर से लगी। बेचारा बच्चा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। चलो इसे गोद लें। ठीक है, परिवार में स्वागत है। अब ये सब धन दौलत हमारी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। ये घर इतना बड़ा है कि अगर तुम्हें इसमें घूमना है तो तुम्हें एक मैप, एक कंपास, एक हफ्ते के खाने और पानी की जरूरत होगी। चलो मैं तुम्हें कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूँ। ये मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। अगर तुम्हें स्कीइंग पसंद है तो तुम कभी भी हमारे स्की रिजॉर्ट जा सकते हो। फ्यू, पर स्कार्फ पहनना मत भूलना। चलो अपना टूर जारी रखें। वैसे हमारा दोस्त जेम्स 2 हफ्ते पहले हमसे मिलने आया था, पर पता नहीं वो वापस कब गया। हनी, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ हो सकता है? नहीं, मैंने उस वक्त के बाद से उसे नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं। एलेक्स, मिया से मिलो, ये मेड है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, तुम जाकर अपना काम कर सकती हो। आखिरकार इनके पास बेटा आ गया। आह प्यारी मॉमी, ये कौन है? मुझे अभी इसी वक्त साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। जेम्स, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रहा था। वैसे क्या तुम जानते हो तुम्हारे 3rd फ्लोर पर वाटर पार्क है? ओह, मेरा स्केलेटन। चलो मैं चलता हूँ, जल्द ही मिलेंगे। हमारे मेंशन में खो जाना आम है। एह, मैं सड़क पर रहा करता था। काश भगवान मुझे अमीर बनने का कोई रास्ता दिखा दे। वाह, काम की चीज मिली। मेरे पास पैसे कमाने का मौका है, मुझे होशियारी से सोचना होगा। आज मौसम उतना भी खराब नहीं है, परफेक्ट मूड के लिए सिर्फ 1 गम की कमी है, बस आसानी से खुल जाए। हे, तनाव दूर करना है तो तुम्हें इस मिरेकल पॉपेट की जरूरत है। मुझे चाहिए, पर फ्री में नहीं मिलेगा। ये गम चलेगी। तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। आज अपने फूड ब्लॉग में मैं इस बेहद जूसी ऑरेंज का रिव्यू देने वाला हूँ। जैसा कि आपने कमेंट में कहा था, मेरे पास एक बेहतर सजेशन है। क्यों ना सिट्रस के बजाय स्ट्रॉबेरी गम पर बात की जाए। सब्सक्राइबर्स, हम एक अनोखा कंटेंट दिखाने वाले हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली अनोखी गम कुछ अलग है। ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा लेमोनेड कौन पीना चाहता है? कोई नहीं, सारी मेहनत जाया गई। गर्मी लग रही है और ये काफी स्वादिष्ट है। ओ, क्या मुझे एक ग्लास लेमोनेड मिल सकता है? नहीं, नहीं मिलेगा। 5 मिनट पहले नहीं आ सकते थे? अरे, मैंने अपना पहला और आखिरी कस्टमर भी जाने दिया। मैं ये पहली बार करने जा रही हूँ। हेलो, आप बेस्ट स्टार्टअप के लिए $1 बिलियन का सर्टिफिकेट जीत गए हैं। मजाक तो नहीं चल रहा? मेरे साथ डेट पर चलोगी? मुझे कोई परेशानी नहीं है, हमने शादी कर ली। कैरल ने प्राइजेस बिजनेस की प्रेजेंटेशन में तरक्की की और हम और भी अमीर बन गए। हनी, वापस यहाँ आ जाओ। माफ करना, मैं पुरानी यादों में खो गया था। हमें अपने बेटे को अच्छे कपड़े लेकर देने होंगे। मैं अपने बेटे को ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने नहीं देख सकती। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो बुटीक पर चलें। ये एक स्टोर है, यहाँ से लोग कपड़े खरीदते हैं। मेरे कपड़े सालों पुराने हैं, ये सबसे महंगे ब्रांड्स हैं। कुछ पसंद आए तो बताना, इतनी सारी बढ़िया चीजें। हेलो, तुम हम पर ध्यान दोगे प्लीज? बाथरूम राइट पर है, ट्रूमिल सेक्शन के पीछे। हमें शहर का सबसे बढ़िया और महंगा स्टाइलिस्ट चाहिए। माफ करना, मुझे गलत फहमी हो गई। अभी आया। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, मैं प्रेसिडेंट के कपड़े चुन रहा था। पहले मेरे बेटे की लुक बनाओ। समझ गया, मेरे साथ आओ, पहले मुझे नाप लेना होगा। हाँ, हो गया, याद कर लिया। चलो सीधे खड़े रहना, मैं अभी आया। पता नहीं कहाँ गया। इस सीजन की शान,
वैसे वो एक प्रोफेशनल है, अपना काम जानता होगा। लगता तो यही है, ये सिल्क जैकेट आपके स्टेटस पर जचेगी। मॉम, ये नहीं, क्या मैं क्लाउन का काम करने वाला हूँ? ये किस तरह की अजीब गलतफहमी है? आप लोग फैशन न्यूज नहीं देखते? मुझे पसंद नहीं आया, और कुछ दिखाओ। क्या आप टॉप स्टाइलिस्ट की चॉइस पर सवाल उठा रहे हैं? मुझे अब उसकी पसंद पर भरोसा नहीं है। ये लुक जरूर पसंद आएगी, मैं खुद भी पहनना चाहूँगा। तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है। मैं एक चमकदार लेप्रेकॉन लग रहा हूँ। यहाँ आओ प्लीज। अच्छा लगा? अपने पैसे लो और जाकर अपनी मैगजीन पढ़ो। चिंता मत करो बेटा, मैं सब खुद संभाल लूंगी। चलो देखें यहाँ क्या है। सारी पुरानी कलेक्शंस है, बहुत सस्ती है, पर शर्ट अच्छी है। मॉम कुछ ज्यादा ही बहक गई। तो कुछ फिट आया? मैं अमीर लड़के की तरह दिख रहा हूँ। रुको, एक आखिरी टच बाकी है। ओह शुक्रिया, अब मुझे सब अमीर समझेंगे। सबसे जरूरी चीज है कि मेरा बच्चा खुश है। मैं इस दुनिया का सबसे लकी लड़का हूँ। मुझसे डैड को अपनी खरीदारी दिखाने का इंतजार नहीं हो रहा। ये सच है कि ये सब बैग्स खुद उठाकर जाना थोड़ा मुश्किल है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, सिर्फ एक ब्लॉक की दूरी है। मैंने टैक्सी क्यों नहीं बुलाई? मेरे हाथ टूटने वाले हैं। ओह आखिरकार मैं घर पहुँच ही गया। ओह क्या हो गया, मैं जा नहीं पा रहा। तीसरी कोशिश, मैं जाकर दिखाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे ये सब अपने कमरे में ले जाना है। ओह लगता है नई मुसीबत आ गई। ये देखो, बहुत अमीर जिंदगी के नुकसान। क्या तुम फंस गए हो? तुम्हें दिख ही रहा होगा, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। क्या तुम मदद के लिए किसी को बुला सकती हो? मैं मदद करती हूँ। इस घर में ऐसी मुसीबत आती रहती है, अपनी खरीदारी के बाद कोई भी दरवाजे से निकल नहीं पाता। हमारे पास इन सिचुएशंस के लिए अपने अलग तरीके हैं। जाओ। आह परेशानी हल हो गई। मैं हमेशा सेवा में हाजिर हूँ। शुक्रिया। चाहे जितने भी मास्क या प्रोडक्ट्स लगा लें, अमीर लोगों को भी स्किन की परेशानियाँ होती है। हे, मेरी नाक पर ये कैसी मुसीबत आ गई? सिर्फ तुम्हें ही नया घर नहीं मिला, अभी इसी वक्त कुछ करना होगा। मॉम, एक परेशानी है। क्या हुआ बेटा? मेरी नाक को देखो, क्या हुआ है? घबराओ मत, मेरे पास एक्ने के लिए बहुत बढ़िया नुस्खा है। पैसों से किसी को भी मनाया जा सकता है। तुम मेरी नाक से जाते क्यों नहीं? ठीक है, मैं नया विक्टिम ढूंढता हूँ। वाह अब बेहतर है। मैं कितने वक्त से मेकओवर चाहता था। मैंने कहा था पैसों से सब सुलझ जाता है। वैसे तुम मेरे सारे महंगे कॉस्मेटिक्स और लग्जरी परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हो। वाह बहुत महंगे हैं। कुछ लगाते हैं, चलो देखें। ओह लग्जरी की खुशबू आ रही है। एक और बार लगाने से कुछ नहीं होगा, है ना? मैं चाहता हूँ इसकी खुशबू सब तक पहुँचे। एलेक्स को अभी भी अमीरी की जिंदगी की आदत डालने की जरूरत है। अब सब पर अपना जादू चलाने का वक्त है। क्या बात है, कोई धूल मिट्टी नहीं। हाय ये इतनी जोरदार स्मेल कैसी है, मैं सांस नहीं ले सकती। बहुत दिलचस्प है। बच्चे पालना बिजनेस चलाने से ज्यादा मुश्किल है, पर ये बिलियनेयर गाइड ने मुझे बचा लिया। ओह ये चैप्टर भी है, बेबीसिटर के बगैर अपने बच्चे से अच्छे से बातचीत कैसे करें। कैसे हो डैड, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। लगता है ये मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मॉम मैं आपसे कहना चाहता था, मुझे आपका परफ्यूम बहुत पसंद आया। ओह अच्छी पसंद है, पर तुमने कुछ ज्यादा ही परफ्यूम लगा लिया। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी परफ्यूम लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबको अमीरी की खुशबू आ जानी चाहिए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, सब सो क्यों रहे हैं? अभी तो सिर्फ दोपहर हुई है, क्या फिर से ऐसा हुआ? हेलो मिस, उठो। ओह क्या मैं अमंगस में आ गई? हे कोई खिड़की खोलो, बहुत हुआ, रुक जाओ। ओह क्या डैडी और मियाँ ठीक हो जाएंगे? हाँ चिंता मत करो, और अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। और इस आदमी का मामला गंभीर है। सर उठो, दोस्तों मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। ओह मेरा सर चकरा रहा है। वहीं मिस्टर पॉवल अपनी वाइफ की परफ्यूम की खुशबू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हमारे एम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर पर था। फ्यू अब बेहतर लग रहा है। पर ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ट्विस्ट है, ये किसका बच्चा है और यहाँ क्या कर रहा है? बेटा रोते नहीं है, मम्मी जल्दी आ जाएंगी। आ तो जाना चाहिए, तुम कितने प्यारे हो। डॉलर्स चाहिए। अरे ये आवाज़ कहाँ से आई? हे भगवान रोलेक्स, हे भगवान दो दो बच्चे। ये वाला अमीर लगता है। शुक्र है मैंने बिलियनेयर्स वाली पेरेंटिंग गाइड पढ़ी थी। चिंता मत करो डैडी, एंड्रयू तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आवाज़ सुनी? नहीं, तीन बच्चे।
बस और सरप्राइज ना मिले। बच्चों प्लीज चीखो मत, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई मदद करो, मुझसे और सहन नहीं हो रहा। खिलौना कहाँ है? मुझे बच्चों को शांत करना है। मिस्टर पॉवल उठो, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। हाँ तुम्हारा काम हो गया है, अपने पैसे लो और जाओ। मैं अब और देर अजीब कॉस्ट्यूम्स नहीं देख सकती। वो हमें लूटने नहीं आए थे? नहीं, मुझे तुम्हें और एलेक्स को कुछ बताना है। क्या आपने नई गाड़ी खरीदी है? लो ये बड़ा हो गया है, तो आप हमें क्या बताना चाहती हो? मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हमारे परिवार में कोई आने वाला है। वाह, ये उम्मीद नहीं थी, क्या बात है। ये मैं हमेशा से चाहता था मेरा कोई भाई या बहन हो। वैसे आपके कितने भाई और बहन है? इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने जवाब बताएं।